उत्तराखंड में काफी समय से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार देने के लिए अनुबंधित किया गया था, जिस कारण स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार के साथ साथ आत्मनिर्भर बनने की शक्ति मिल रही थी। लेकिन जिस प्रकार बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने पिछले दिनों घोषणा की कि जो राशन की सप्लाई स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा की जाती थी वह दिसंबर माह में बंद कर दी गई और गर्भवती महिलाओं को चावल और गेहूं सस्ते गल्ले की दुकानों से उपलब्ध कराया जाएगा, मामले को लेकर सुजाता पॉल ने कहा कि सहायता और समूह की महिलाओं के ऊपर ये कुठाराघात है और उनके रोजगार को छीनने की कवायद शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर जो पोषण आहार गर्भवती महिलाओं को मिलना था वह भी अब बंद होने के कगार पर है। इसके साथ ही पोषित आहार को किसी निजी कंपनी को टेंडर दिलाने की साजिश रची जा रही है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने बताया कि सहायता समूह की महिलाओं के करोड़ों रुपए के बकाया आज भी सरकार के ऊपर हैं, जिससे उनको अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रही हैं। वहीं दूसरी ओर जिस व्यापारियों से उन्होंने राशन उठाया था वह भी लोग उनको घर पर आकर धमका रहे हैं। रेखा ने झूठा बयान देते हुए विधानसभा के अंदर कहा था कि इनकी सभी का भुगतान कर दिया गया है, जो खोखला साबित हो रहा है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, टेक होम राशन एक ऐसी स्कीम है जो कांग्रेस पार्टी की डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने कराई थी। उत्तराखंड में हरीश रावत जी इसे 2014-15 में लेकर आए थे और महिलाएं इससे सशक्त हुई थी। 164 सेल्फ हेल्प ग्रुप से हर सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 महिलाएं और उसके आगे इनसे इनडायरेक्टली करीबन टोटल आप लगा ले 1 लाख जुड़े हुए हैं। और अब ये आदेश आ चुका है कि सस्ते गल्ले की दुकान से चावल और गेहूं बांटा जाएगा। तो पौष्टिक आहार जिन बच्चों को दिया जाता था, जो धात्री माताएं थी, जो गर्भवती माताएं थी, उनको बंद कर दिया जाएगा। यानी कि कोई भी दिसंबर से राशन नहीं बांटेगा, तो ये दोगली बातें क्यों की जा रही है। उसके साथ साथ अगर ये पोषण योजना को खत्म करने के इरादे में है तो इन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पे करोड़ों का जो गैस सिलेंडर बर्तन वगैरह भरे हैं, तो अगर वो योजना ही बंद करे तो आंगनबाड़ियों को इतना खर्च करने की जरूरत क्या थी। आंगनबाड़ी बहनों से ये ब्याज की रकम वापस मांगी जा रही है, तो ये चल क्या रहा है? कोई आप लोगों में से किसी ने झांका?